अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समिया और आप देख रहे हैं समियाज़ फूड डायरी। आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत आसान बनता है। जिसके लिए हमें चिकन चाहिए 1 kg, ये हमने 10 ग्लास नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। सबसे पहले एक बर्तन ले लें, उसमें आप चिकन डाल दें, साथ में मैंने नमक भी डाल दिया है। अब इसमें पानी डाल दूंगी, पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, जैसे आप यखनी बनाते हैं इसी तरह। ये देखें चिकन अच्छे से बॉईल हो गया, इसको मैंने निकाल लिया है। अंडे लेंगे हम 6 अदद, गाजर ली है मैंने 1 कप, इसको मैंने कद्दूकश किया है। बंद गोभी ली है मैंने 1 कप, इसको मैंने बहुत बारीक नहीं काटा, मोटा मोटा काटा, ठीक है। 1 सिट्टे के दाने 1 कप, दलिया लिया है मैंने 1/4 कप, चिकन क्यूब लिए हैं मैंने 2, मशरूम लिए हैं 1/4 कप, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 3 कप, पनीर मैंने घर में बनाया है 1/2 kg, ठीक है। सबसे पहले यखनी में आप दलिया डाल दें और इसको बॉयल आने तक पकाते रहें, ठीक है, ये अच्छे से गल जाएगा। साथ ही मैंने चिकन क्यूब डाल दिए हैं और साथ ही मैंने सिट्टे के दाने भी डाल दिए हैं। अब इसमें मशरूम डाल रही हूँ ताकि ये कुछ देर के लिए पकता रहे। अब इसमें मैं सब्जियां वगैरह ऐड कर दूंगी, गाजर और बंद गोभी को ऐड कर दूंगी, वो डाल दूंगी। अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है और साथ ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी मैंने 2 कप लिया है और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर को मैंने बारीक कट कर लिया था और चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। अब हम सूप में डाल देंगे सारा कॉर्नफ्लोर, आहिस्ता आहिस्ता करके डालते हैं और साथ ही चम्मच चलाते रहना। अब ये बॉईल हो जाएंगे तो ये थिक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा कर सकते हैं। अब मैंने अंडे लिए, उनको तोड़ के अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें अंडे भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें अब बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया है, ना बहुत थिन है ना बहुत थिक है, ठीक है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे, चिकन मैंने सबसे लास्ट में डाला है, पहले नहीं डाला, ठीक है। चिकन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम अब पनीर डाल देंगे। पनीर मैंने घर में बनाया है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाया है। चलें जी, ये रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा, मैंने एक बाउल में डाल दिया है। साथ ही मैंने इसकी सॉस डाल दी है, सोया सॉस डाल दी, चिली सॉस डाल दी और सब मिर्चें और सिरके को मिक्स करके इसमें डाल दी, ठीक है। अब ये बाउल में डाल देती हूँ, देखिए आप कितना मज़ेदार से इसका कलर भी आया है और देखिए ना बहुत ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ही अच्छे से बना है और सर्दी में तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। अब थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, थोड़ी सी चिली सॉस डालूंगी, थोड़ा सा सिरका भी डालूंगी खटास के लिए, बहुत अच्छा लगता है। साथ सब्ज मिर्च तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो भी मैंने डाली है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त बना है, टेस्ट बहुत अच्छा है, नमक सब कुछ परफेक्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, समिया फूड डायरी मेरे इंस्टाग्राम है। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।